अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, लास्ट टाइम हमने कीबोर्ड और माउस के हवाले से पढ़ा था और आज हम बात करेंगे सीपीयू की। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्रोसेसर द मेन पार्ट। अब ये कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो है सीपीयू, और इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ऑफ कंप्यूटर विच प्रोसेस डेटा, वो प्रोसेस डेटा वो प्रोसेस करता है, और यूज़र ऑफ प्रोड्यूस आउटपुट, और यूज़र को जो है आउटपुट देता है। और यहाँ पे जो है मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक सीपीयू बनाया है, ये आपके पास सीडी है, और यहाँ पे जो ऑन ऑफ के उसमें बटन है, और यहाँ पे जो है पोर्ट के निशान्स हैं। और इस तरह जो है सीपीयू हैज़ टू पार्ट्स। अब कुछ लोग जो है इसको कहते हैं कि थ्री पार्ट है, मेमोरी भी होते हैं, लेकिन असल में जो है इसकी टू पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है CU कंट्रोल यूनिट। अब इसके बारे में बात करते हैं कि CU और अर्थमेटिक, इसमें इसको फुल सही से पढ़ेंगे ALU। दी ALU इन कंप्यूटर आर कैपेबल और रिस्पॉन्सिबल ऑफ परफॉर्मिंग। अब ALU क्या करता है कि अर्थमेटिक का काम क्या है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एज वेल एज लॉजिकल। लॉजिकल यहाँ पे जो है L। अब लॉजिकल ऑपरेशंस। अब उसके बाद ये है कि CU कंट्रोल है, उसमें कंट्रोल यूनिट है। इट कंट्रोल ऑल हार्डवेयर ऑपरेशंस ऑन एनी कंप्यूटर, तमाम जो है हार्डवेयर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, लाइक इनपुट हो, आउटपुट हो या स्टोरेज हो, वो प्रोसेस करता है प्रोसेसर जो है इट्स सेल्फ बाय। तो ये जो है आपके पास जो है CU और ALU कंट्रोल, इसमें CPU का फुल फॉर्म और इसके बाद जो है CPU के हवाले से था। CPU में दो चीज़ें होती हैं, ALU और CU, और थर्ड जो है मेमोरी है, लेकिन मेमोरी इस पे नहीं होता, इसकी जो है मेन पार्ट नहीं कहलाता, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, और CPU के हवाले से जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे।